लेकिन बर्ड्स मिले ऐसे कि अपने बर्ड्स जो है स्वस्थ हो गए, तो मैं उसे उठा करके एक अलग पार्टीशन मैंने बना रखा है उसके अंदर मैंने छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही मैं शाम के टाइम फिर राउंड करने गया तो मुझे तीन बर्ड्स फिर मिल गए। तो जब तक वो तीन बर्ड्स मिले दोस्तों, वो आगे वाले तीन बर्ड्स जो है मॉर्टिलिटी हो गई उनकी। कई बार बहुत से लोग बोलते हैं कि यार वायरल आने के बाद किसी प्रकार का कोई रोकथाम नहीं है। देखो दोस्तों, रोकथाम है, बट उसका समय पे ट्रीटमेंट लगने पे ही रोकथाम है। मैं बता दूं दोस्तों, ये चीजें अपने यहाँ नहीं है, लेकिन अपना पूरा इलाका जो है अभी वायरल से ग्रसित है। अजमेर इलाके के अंदर अभी वायरल है दोस्तों, लगभग लगभग समथिंग हर फार्म पे लक्षण दिखा रहे हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सिंह रावत आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे खुशी पोल्ट्री ब्लॉग्स में। दोस्तों आज अब बर्ड्स जो है अपने फाइनली 21 दिन के हो चुके हैं, और 21 दिन का जो बॉडी वेट है दोस्तों वो मैं कल करूंगा। 22 दिन के मॉर्निंग में अपन वजन करेंगे। अभी समथिंग अपने बर्ड्स का वजन जो है दोस्तों 900-950 ग्राम के समथिंग है। कल क्या बॉडी वेट आएगा वो मैं आपके सामने वीडियो कल उसकी अलग से बनाएंगे दोस्तों। आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ दोस्तों, तीन दिन से हमारे बर्ड्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो दोस्तों उस समय मैं भी डिस्टर्ब था और उस कंडीशन में मैं आपके साथ वीडियो नहीं बनाई, तो अब मैं उसमें सुधार करके अब मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों आपके साथ में। एक्चुअल में हुआ यह था कि अभी हमारी जो फील्ड है इस पूरी लाइन के अंदर वायरल डिजीज चल रहा है, तो दोस्तों अपने शेड में भी कहीं ना कहीं घूम करके वायरल आ गया था। दोस्तों बर्ड्स का बॉडी वेट अच्छा होने के कारण फर्स्ट अपना जो प्लस पॉइंट रहा दोस्तों ये रहा कि अपने बर्ड्स के अंदर बॉडी वेट अच्छा था, इम्यूनिटी अच्छी बनी हुई थी, तो इतना ज्यादा अपने नुकसान नहीं हुआ। फर्स्ट बार एक्चुअल में मैं करता राउंड बार बार शेड के अंदर राउंड करता हूं, तो मुझे बर्ड्स नजर आया जो कि स्वस्थ एकदम फर्स्ट क्लास बर्ड्स था, वो भी स्वस्थ हो गया। और उसके जो है अंदर क्या दिक्कत हो रही थी, एक जगह बैठ के वाइब्रेट कर रहा था और गर्म हुआ था बर्ड्स, ठीक है, और पीछे से उसकी बीट आ रही थी व्हाइट व्हाइट बिल्कुल पानी की तरह। मैं तुरंत समझ गया कि इसके अंदर वायरल हुआ है। जैसे उसका पोस्टमार्टम किया दोस्तों तो पता चला वर्षा के अंदर पूरी रेड हो रही है वर्षा, और दूसरा लक्षण उसके जो गिजाड़ है गिजाड़ के अंदर भी रेड रेड दोनों चीजें दिखा दी वहां पे। तो मैं भी घबरा गया दोस्तों, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद में अब जो है फार्म ये वायरल एक ऐसा होता है दोस्तों, रानीखेत डिजीज अगर किसी फार्म में आता है दोस्तों तो पूरा फार्म का फार्म खत्म हो जाता है। ये मुझे अच्छी तरह ज्ञात है इस चीज का। मैं बता दूं दोस्तों, ये चीजें अपने यहाँ नहीं है, लेकिन अपना पूरा इलाका जो है अभी वायरल से ग्रसित है। अजमेर इलाके के अंदर अभी वायरल है दोस्तों, लगभग लगभग समथिंग हर फार्म पे लक्षण दिखा रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि बर्ड्स को जैसे ही मुझे नजर आई मैंने तुरंत इसकी प्रक्रिया चालू कर दी। तो दोस्तों मैंने क्या क्या किया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि उससे मेडिसिन यूज करने से मेरा बर्ड्स अभी ठीक है और फर्स्ट क्लास कंडीशन में है और पूरा एक्टिव हो गया। कंडीशन में हुआ क्या दोस्तों कि जैसे फर्स्ट में मैं राउंड करके आया तो मुझे तीन बर्ड्स मिले ऐसे कि अपने बर्ड्स जो है स्वस्थ हो गए, तो मैं उसे उठा करके एक अलग पार्टीशन मैंने बना रखा है उसके अंदर मैंने छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही मैं शाम के टाइम फिर राउंड करने गया तो मुझे तीन बर्ड्स फिर मिल गए। तो जब तक वो तीन बर्ड्स मिले दोस्तों, वो आगे वाले तीन बर्ड्स जो है मॉर्टिलिटी हो गई उनकी। तो इतनी जल्दी फास्ट मॉर्टिलिटी होती है इसकी कि अपन उसको एक साइड में करते ही उसकी मॉर्टिलिटी हो जाती है। फिर उसके बाद के अंदर मुझे पता चला कि मामला गंभीर है। मैंने तुरंत उसी दिन शाम को जो है 120 गोली इसके अंदर एक ड्रिंकर में एक गोली पैरासिटामोल की दी मैं, क्योंकि मैंने कहा फर्स्ट टाइम जो अपन है इसका बुखार आ रही है उसको तोड़ना है। तो मैं 650 जो अपनी पैरासिटामोल की गोलियां आती है दोस्तों वो मैंने 120 अपने शेड के अंदर लगाई, ठीक है। अपोजिट के अंदर सुबह मैं इसके अंदर गुड़ दूध और गुआर पाटा ये मैंने चलाया, तीन दिन रेगुलर प्रिकॉशन करा। फिर भी दोस्तों कंट्रोल तो हो गया, आगे नहीं बढ़ा, लेकिन उसके बावजूद भी एक दो वीक बच्चे मुझे मिलना बंद नहीं हुए। फिर उसके बाद में मैं इसके अंदर अपने मिलने वाले कोई मेडिकल वाला है अजमेर के अंदर, मैंने उनको कॉल किया कि सर ये जो वायरल वाला सिस्टम है मेरे फार्म में आ चुका है और इसकी कोई आपके पास मेडिसिन हो। तो उन्होंने मेरे को मेडिसिन तो दी जो दी दोस्तों, सबसे मेन चीज उन्होंने मेरे को इतनी हिम्मत दी कि बोले मोहन भाई मैं आपको मेडिसिन दे रहा हूं, ये मेडिसिन अभी तुरंत आप लगाइए और सुबह क्या रिजल्ट रहता है मेरे को तुरंत बताना, और नहीं खत्म हो तो मेरी गारंटी है। पर जब इतना बोलने के बाद मुझे भी यूं लगा यार कि कुछ ना कुछ मेडिसिन के अंदर पावर है जब इतना खींच के बंदा बोल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है आप भेज दिए, उन्होंने मेरे को मेडिसिन भेजी है। मैं बता दूं दोस्तों
दोनों मेडिसिन मेरे पड़ी थी 1600 रुपए की, 800 रुपए की एक लीटर के अंदर आई थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। और एक पाउच था 500 ग्राम का, वो मेरी 800 रुपए का था, तो 1600 रुपए मेरे टोटली लगे थे। तो दोस्तों ये सब चीजें लगने के बाद के अंदर सुबह ही मुझे रिजल्ट का पता चल गया, एक भी बर्ड शेड के अंदर जो है नहीं मिला। तो इसमें अब कारगर ये मेडिसिन बहुत ज्यादा करी है। और दूसरा चीज, मैंने एलोवेरा और गुड़ लगाने से भी मेरा वायरल कंट्रोल हुआ था, आगे नहीं बढ़ा। तो इसमें मैंने जो है मॉडलिटी टोटल जो है 20 मॉडलिटी का मैंने नुकसान कर दिया है, क्योंकि एक दिन 8 हो गई थी, एक दिन 6 हुई थी, एक दिन 4 हुई थी, 3 दिन इनका जोर रहा था दवा के दोस्तों। अच्छा, दूसरा मैंने स्प्रे के अंदर जो है अपनी बार मोटर लगी हुई है उसका दवा के स्प्रे किया, स्प्रे में मैंने लगाया था B904 और फॉर्मलिन, मैं एक एक लीटर फॉर्मलिन मिला के स्प्रे किया दोस्तों। आप भी बोलोगे कि बर्ड्स के ऊपर इतना फॉर्मलिन कैसे कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब अपन को लगे ना कि यार पूरा लोट ही बिगड़ने वाला है, तो फिर उसके बाद में जो है सारा हथियार अपनाने पड़ते हैं। और ऐसे हथकंडे अपनाने की वजह से ही आज जो है अपना बर्ड्स वापिस कवर हुआ है। दूसरा दोस्तों, साउंड नहीं अपने बर्ड्स के अंदर, केवल और केवल यही एंट्री, कोई 100 में 2-3 फार्म ऐसे हैं जो अभी बचे हुए हैं, बाकी समथिंग सब फार्मों पे ये प्रॉब्लम चल रही है और दवा के मॉडलिटी हो रही है। तो अभी मेरे पड़ोस में भी जयसिंह भाई का लोट था, वो खराब हो गया है दोस्तों, उसके ऊपर भी वायरल आया था। तो सुपरवाइजर वहां जाता है, यहाँ पे भी आता है, तो देखिए कुछ ना कुछ वायरल एक ऐसी चीज होती है जो कपड़ों के चीट कर भी आ जाती है, अपने पैरों में चीट कर आ जाती है, कहीं पे भी जो है वायरल तो आ जाता है दोस्तों। तो मैंने उसके बाद में बहुत एक्टिव हुआ और मैं बिल्कुल सावधानी के साथ के अंदर जो है अपने फार्म में काम कर रहा हूँ, और किसी बंदे को अंदर एंटर होने के लिए बिल्कुल बंद कर दिया है। तो अभी बर्ड्स बढ़िया है, मैं आपको बर्ड्स भी दिखाऊंगा दोस्तों। और सबसे पहले तो मैं आपको बर्ड्स एक का मेरा जो है इसके अंदर तैयार हुआ है, वायरल आने के बाद में एक ही बर्ड्स मेरा ऐसा है जो कि सुस्त होने के बाद कवर हो गया, बाकी सब मॉडलिटी होगी जितने भी मैं निकाल के लेकर आया था। तो वो बर्ड्स भी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी पार्टीशन के अंदर है बेटा वो बर्ड्स लेकर। तो बर्ड्स अगर सुस्त हो जाता है दोस्तों तो वो मेडिसिन पीता ही नहीं है, तो अगर मेडिसिन नहीं पीता है तो वो ठीक कैसे होगा। अब देखिए ये बर्ड्स है, इसको दिखाता हूं आपको, ये मुर्गा है, इतना बड़ा मुर्गा, लेकिन अब इसमें वजन 500 ग्राम से ज्यादा नहीं है, क्योंकि वायरल में पूरा इसका लेस हो जाता है। देखिए दोस्तों वायरल के लक्षण बता देता हूं आपको, इस तरह बीट करता है तो बीट पूरी चिपक के होती है, व्हाइट कलर की पानी की तरह निकलती है, ठीक है ना। और ये देखो मुंह से पानी निकाल दिया, इसने भी पानी पिया था। अभी भी इसके अंदर जो है प्रॉब्लम है, एक्चुअल में रेडी नहीं हुआ, मैं सिर्फ बताने के लिए आपको बता रहा हूं। ये एक ही बर्ड्स मेरे पास बचा जिसमें वायरल के लक्षण थे, और बच्चा बिल्कुल सुस्त हो जाता है, आंखें दोनों बंद कर लेता है और जमी के अंदर मुंह को रखता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये बर्ड्स था इस, छोड़ बेटा इसको वापिस अंदर। तो इस प्रकार के बर्ड्स जो है जितने भी मेरे शेड में थे, हमको नजर आते तुरंत यहां कर लेते थे और उसकी मॉडलिटी हो जाती थी। तो अभी मैं टोटल मॉडलिटी की भी बात करूं दोस्तों, तो अपनी 60 मॉडलिटी हो चुकी है, और अभी नहीं, जैसे कल पूरे दिन में एक भी मॉडलिटी नहीं थी तो हमारे को शांति थी, और आज पूरा दिन हो गया, पूरी नाइट होगी, एक भी मॉडलिटी नहीं हुई है। तो ये सबसे अपना प्लस पॉइंट रहा। तो मैं सबसे पहले तो हमारे मेडिकल वाले भाई साहब है श्री विनायक मेडिकल वाले, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से ही अपना शेड के अंदर ये मॉडलिटी रुकी है और ये वायरल से पूरा फार्म खत्म होते बचा है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको मेडिसिन दिखा देता हूँ, देखिए एक तो मेरे को 800 रुपए की ये मेडिसिन दी है, ठीक है ना, इमोटास इसका नाम है दोस्तों, और ये एक लीटर के अंदर है, इसका 800 रुपए मेरे से चार्ज लिया उसने, लेकिन ये बता दूं कई 8000 की मेरे को ये काम करी है मेडिसिन, ठीक है ना, क्योंकि मेडिसिन का मोल इतना वो नहीं रखता दोस्तों। लेकिन अपने इसके साथ में मैंने मिला करके ये पाउडर दिया, देखिए 1 ग्राम 3 लीटर पानी के अंदर पीने के मिला करके मैंने दोनों को मिक्स करके और इनका मैंने जो है बर्ड्स के अंदर चलाया। आप चलाया किस प्रकार, शाम को ही मैंने तुरंत इसको ड्रिंकर डोज दिया है, ड्रिंकर डोज देने के बाद के अंदर मैंने वाल बंद नहीं किया, दाने के बर्तन मैंने ऊपर कर दिए और बर्ड्स को डिस्टर्ब किया, 1 घंटा बाद दाने को नीचे किया और बर्ड्स को डिस्टर्ब करता रहा। मैंने 12 बजे तक बर्ड्स को डिस्टर्ब किया ताकि सब बर्ड्स पानी पी ले, तो बर्ड्स ने जैसे ही पानी पिया, पानी पीते ही उनकी इम्यूनिटी मस्त हो गई और बर्ड्स जो है स्वस्थ होना बंद हो गए। दूसरे दिन मॉर्निंग में लगाया, फिर शाम को लगाया, फिर तीसरे दिन सुबह लगाया, फिर शाम को लगाया, 3 दिन कंटिन्यू मैं इस मेडिसिन को लगा करके बंद कर दिया। लेकिन बर्ड्स अभी आप देखोगे दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा बर्ड्स, एक नंबर एक्टिविटी हो गई है बर्ड्स की, और अभी फिलहाल की कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास चल रहा है।
तो सभी आप लोग भी भगवान से दुआ करो कि दोबारा ऐसी जो है मुसीबत किसी भी फार्मर भाई के नहीं आए, क्योंकि दोस्तों इतनी मेहनत करने के बाद ये चीज अगर फार्म में एंटर होती है ना, तो फार्म का फार्म खाली हो जाता है दोस्तों। ये बहुत गंदी चीज है। तो वायरल आने से पहले हम एक्टिव अगर फार्मर है तो वो तुरंत उसके ऊपर एक्शन ले लेगा, तो एक्चुअल में इसका इलाज हो जाता है। कई बार बहुत से लोग बोलते हैं कि यार वायरल आने के बाद किसी प्रकार का कोई रोकथाम नहीं है। देखो दोस्तों, रोकथाम है, बट उसका समय पे ट्रीटमेंट लगने पे ही रोकथाम है। अगर अपन उसको 2-3 दिन बर्ड्स बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर, मान लीजिए कि आप 50% अगर बर्ड सुस्त हो गए, अपन कोई मेडिसिन उसमें लगा रहे हैं और फिर मॉर्टेलिटी कंट्रोल नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि मेडिसिन काम नहीं कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताऊं आपको, अगर 50% बर्ड्स अगर वीक हुआ है दोस्तों, तो वो पानी नहीं पिएगा, और अगर पानी नहीं पिएगा तो उसके अंदर किस पर मेडिसिन जाएगी कैसे? अगर मेडिसिन नहीं जाएगी तो बर्ड्स ठीक नहीं होगा। ये चीज होती है, तभी मॉर्टेलिटी ज्यादा बढ़ती है। अगर अपना बर्ड्स एक्टिव है, उसी कंडीशन के अंदर अपन ये मेडिसिन लगा देते हैं दोस्तों, तो ये वहीं का वहीं स्टॉप हो जाता है। तो अपने तो अभी फिलहाल की कंडीशन में ठीक है, लेकिन दोबारा ना एक्टिव हो इसके लिए बहुत एक्टिव है हम, और स्प्रे हम डेली कर रहे हैं दोस्तों। और कल आप बोलोगे तो हम जो है स्प्रे का वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्या क्या मिला रहे हैं उसमें, तो दोनों शेड। अच्छा ये एक चीज और बता दूं दोस्तों, सुस्त बर्ड्स जितने भी मिले थे मेरे को इस बड़े वाले शेड में ही मिले थे, छोटे वाले शेड में एक भी बर्ड्स नहीं मिला, और ना एक भी मॉडलिटी उसमें हो रही है। शानदार एक्टिविटी है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, लेकिन घबराहट हो जाती है दोस्तों कि फार्म ऐसा नहीं हो कि अपना लेस में चला जाए, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको बर्ड्स दिखा देता हूँ, सब कुछ ठीक है दोस्तों, और कल अपन इसका बॉडी वेट भी करेंगे, तो बॉडी वेट की वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कितना आ रहा है क्या नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए मैं पहले आपको बर्ड्स दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अपने बर्ड्स जो है इस प्रकार है, ये देखिए, ये एक बार वायरल की चपेट में आ गया है बर्ड्स इस प्रकार से भी। इसको जो है काफी बर्ड्स लूज हुआ था, लेकिन वापस बर्ड्स जो है एक्टिव हो गया है और बर्ड्स ग्रोथ पर है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे बर्ड्स जो है 900 950 ग्राम समथिंग इनका बॉडी वेट है दोस्तों। कल बॉडी वेट करेंगे जब सबको पता चलेगा। मैं बता दूं दोस्तों, मैनेजमेंट में किसी प्रकार की हमने कमी नहीं रखी है, और अभी आप देख पा रहे होंगे हमने टीन शेड बिल्कुल एकदम से ठंडा कर रखा है, क्योंकि हमने स्प्रिंकलर चलाए थे। देख पा रहे होंगे चादरों के बाहर जो है बूंदे पड़ रही है अभी तक भी, देखिए इतना हमने गीला रखा है। तो शेड के अंदर हम बिल्कुल हीटिंग नहीं आने दे रहे हैं, और आप देख पा रहे होंगे बर्ड्स जो है किस प्रकार, अभी दिन का मौसम है दोस्तों, समथिंग 2-2.5 बज रहे हैं, और इस कंडीशन में बर्ड्स बैठा है देखिए। तो इतना मैनेजमेंट करने के बाद में भी अगर बर्ड्स में दिक्कत आती है, तो फिर दोस्तों फिर एकदम जो है बंदा हौसला टूट जाता है उसका, और फिर देखिए कि फार्म के प्रति ऐसी ऐसी भावना हो जाती है, यार छोड़ो यार, बार बार जो है अपना जो बीज जो है बिगड़ने की कगार पे आ रहा है। तो दोस्तों मैं बिल्कुल एक्टिव रहा और अपना जो है हौसला बुलंद रखा, और मेडिसिन मैंने लगाई है, और अभी ये खत्म होते ही मैं तुरंत मेडिसिन दूसरी और लेके स्पेयर में रखूंगा, ताकि तुरंत ऐसी दिक्कत होते ही मैं ये मेडिसिन यूज में लूंगा, क्योंकि ये बहुत कारगर है दोस्तों। तो किसी भाई के अगर वायरल कुछ भी लक्षण अगर नजर आए, तो तुरंत इस मेडिसिन को लगा दे, बर्ड्स की ह्यूमिडिटी नहीं टूटने दे, तो बर्ड्स में ये वायरल 3 दिन का जोर होता है दोस्तों निकल जाता है, और इसमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में बर्ड्स सुस्त हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद में देखिए मॉर्टेलिटी का थोड़ा एक परसेंटेज बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो अभी हमारे अजमेर क्षेत्र के अंदर काफी ज्यादा वायरल का चल रहा है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय श्री राम।